नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। वन विभाग के अमले ने मुखबिर की सूचना पर 30 मार्च को दक्षिण लामता परिक्षेत्र अंतर्गत समनापुर वृत्त के ग्राम पंचेरा में छापामार कार्रवाई कर दुर्ग सिंह उर्फ दरबू सिंह पिता शिवचरण उम्र 24 वर्ष के घर से चीतल का पका मांस जब्त किया है। दुर्ग सिंह उर्फ दरबू सिंह की निशानदेही पर समनापुर वृत्त की पंचेरा बीट के कक्ष क्रमांक 1382 से नर चीतल की खाल जब्त कर ली गई है। वन्य प्राणी के अवैध शिकार के प्रकरण में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा के तहत कार्यवाही कर वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। वन परिक्षेत्र अधिकारी पंकज शर्मा ने बताया है कि 4 आरोपी अभी फरार हैं, जिन्हें गिरफ्तार करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। नर चीतल की खाल को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि शिकार बंदूक द्वारा किया गया है। वन परिक्षेत्र में लगातार वन्य जीवों के शिकार के मामले सामने आ रहे हैं। ये मामले शिकार होने के बाद मुखबिर की सूचना पर वन विभाग के संज्ञान में आते हैं, लेकिन वन अधिकारियों और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को इसकी जानकारी तक नहीं होती है। जिले में वन विभाग की लापरवाही और अनदेखी के कारण अब वन्य प्राणी सुरक्षित नजर नहीं आते हैं। वनों में वन्य प्राणियों के शिकार से मौतों के कारण संख्या कम होती जा रही है। वन्य प्राणियों की सुरक्षा में वन अमला नाकाम नजर आता है। इसकी सबसे बड़ी वजह जंगल में गश्ती के बजाय वन्य अधिकारी और कर्मचारी या तो जिला मुख्यालय में मौज करते रहते हैं या अपने निवास स्थान में आराम फरमाते रहते हैं। उत्तर लामता वन मंडल के वन परिक्षेत्र दक्षिण लामता में वन एवं वन्य प्राणी की सुरक्षा भगवान भरोसे ही नजर आती है, क्योंकि इस रेंज के रेंजर पंकज शर्मा लापरवाही में सारी हदें पार कर चुके हैं। इनके अधीनस्थ स्टाफ पर भी इनका कोई असर देखने को नहीं मिलता है। वन परिक्षेत्र अधिकारी पंकज शर्मा ऑफिस में बैठकर फाइल निपटाने और मीटिंग अटेंड करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। जंगल की गश्ती और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में इनकी कोई दिलचस्पी नजर नहीं आ रही है। परिचय बताएंगे। मैं प्रशांत साकरे, उपवन मंडल अधिकारी उपवा, और 3 2021 को दक्षिण लामता वन परिक्षेत्र अंतर्गत समनापुर व्रत में मुखबिर द्वारा यह सूचना दी गई कि ग्राम पंचेरा में एक चीतल का मांस पकाया जा रहा है, तो इस संबंध में छापामार कार्रवाई की गई और ग्राम पंचेरा से दुर्ग सिंह उर्फ दरबू को गिरफ्तार किया गया, जिसके घर में चीतल का मांस पकाया जा रहा था। और उसकी निशानदेही पर, दुर्ग सिंह की निशानदेही पर समनापुर वृत्त की पंचेरा बीट है, उसमें कक्ष क्रमांक 1382 से जो नर चीतल जिसे मारा गया था उसके बाकी अवशेष बरामद किए गए और उसके द्वारा यह बयान दिया गया कि इस कृत्य में 4 और लोग भी शामिल थे। दुर्ग सिंह को मिला के टोटल 5 लोग शामिल थे। दुर्ग सिंह को वर्तमान में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। सर, ये बताएंगे कि जो अभी आए दिन जो वन प्राणियों के जो शिकार हो रहे हैं, इनकी मौत हो रही है, इसके चलते में वन अमला क्या मौन बैठा हुआ ऐसा प्रतीत होता है? आपके स्टाफ भी हैं और अभी होली के त्योहार को देखते हुए आपकी गश्ती भी बढ़ा दी गई थी, तो क्या वन स्टाफ क्या कर रहा था? नहीं, वन अपराध के संबंध में जो भी कार्रवाई है वन अमले के द्वारा की जा रही है। पूर्व में भी अभी चाचेरी व्रत के अंतर्गत जो है एक चीतल का मांस पकाया जा रहा था पूरे गांव के द्वारा, उसमें एक बड़ी कार्रवाई की गई है उसमें भी, और ये जो कार्रवाई है समनापुर व्रत अंतर्गत, तो वन अमला जो है सजग रूप से काम कर रहा है, सतर्कता से काम कर रहा है अपना। और लेकिन मुखबिर की सूचना मिलती है जब भी कार्रवाई होती है, लेकिन आपका वन स्टाफ करता क्या है इस समय? नहीं, मुखबिर तंत्र का विकास जो है करना, मुखबिर के साथ जो लाइजनिंग है वो रहना, इस पूरा सूचना तंत्र का विकास करना, यह जो हमारी जो प्रोटेक्शन कह लीजिए या जो वन सुरक्षा का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि हमारा जो स्टाफ है वो तो सीमित है, हमें किसी ना किसी मुखबिर की निशानदेही पे ही। तो लेकिन अभी त्योहार के चलते तो गश्ती ज्यादा बढ़ा दी गई थी, इसके बाद में भी ये वन प्राणी का शिकार हुआ है, इसमें क्या कहेंगे? और जो अधिकारी कर्मचारी जो इसमें जो पाए, नहीं, कार्रवाई जो है स्टाफ द्वारा सतर्कता से की जाती है। यदि कोई वन अपराध कायम हो रहा है तो उसके संबंध में त्वरित POR जारी करके जो संबंधित अपराधियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और उन्हें आवश्यक जो भी दंडात्मक कार्रवाई है उसके लिए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यदि किसी कर्मचारी या अधिकारी की संलिप्तता इस कृत्य में शामिल हमें पाई जाती है तो उसके विरुद्ध जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई है वह विभाग द्वारा की जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये जो सर्कल है, समनापुर सर्कल कह लीजिए आप या चाचेरी सर्कल कह लीजिए, यह थोड़ा यहाँ जो ग्रामवासी है वह
थोड़ा नोटोरियस है जनरली, तो इसीलिए वहाँ वन अपराध वन प्राणियों के संबंध में हमें ज्यादा देखने हाल फिलहाल में देखे जा रहे हैं। लेकिन उतनी ही सतर्कता से जो है हमारा जो दक्षिण सामान्य लामटा वन परिक्षेत्र का वन अमला है और जो बाकी वन परिक्षेत्र के भी जो स्टाफ है उनके द्वारा सतर्कता से रोकथाम में किसी भी वन अपराध की रोकथाम में कार्य किया जा रहा है।